नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था कि 30 मई तक जो है वो सोलर के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने बिजली के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए जो आवेदन किए थे, उनको जो है वो सोलर की ओर सरकार जो है वो कन्वर्ट कर रही है। तो सोलर का कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया था और किसी भी जानकारी के लिए नंबर भी दिया था। लेकिन अब उसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि किसानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो लगातार किया जा रहा है। अब फ्रॉड कैसे किया जा रहा है? फेक कॉल्स आती हैं किसानों के पास कि उनको बोला जाता है, उनको बहलाया फुसलाया जाता है कि आप इस खाते के अंदर जो है वो इतनी पेमेंट जमा कर दीजिएगा, आपका अप्रूव हो चुका है, आपके सोलर लग जाएगा। कोई 5,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है, 50,000 रुपये तक जो है वो किसानों से मांगे जा रहे हैं, यानी कि उनको लूटा जा रहा है। अब ऐसे में वो कॉल कौन से नंबर से आती है और क्या उसकी निशानी होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें जो है वो पीएम कुसुम योजना, अगर ट्रू कलर पे सर्च करते हैं तो पीएम कुसुम योजना के नाम से जो है वो ये नाम आता है। और इसके अलावा अगर नंबर की मैं बात करूँ तो 0896116447 ये नंबर है। इस नंबर से बहुत सारे किसानों के पास फ़ोन आया है और इस नंबर से एक किसान के पास फ़ोन आया भी था, उसने रिकॉर्डिंग भी की थी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। जैसे भी आपके पास अगर ट्रू कॉलर है तो ये रेड कलर की कोई भी अगर आपके पास कॉल आती है, ये स्पैम लिखा आता है या फ्रॉड लिखा आता है, तो उन पर आप भरोसा जो है वो कभी मत कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें अगर कॉल एक्टिविटी की बात करें तो 1039 कॉल जो है वो पिछले 60 दिनों के अंदर जो है वो की गई है। यानी कि इनमें से अब 1039 लोगों से कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड जो है वो कर पाए होंगे, ये तो अभी कहना मुश्किल होगा। स्पैम रिपोर्ट की अगर बात करें तो 67% लोगों ने जो है वो इसको रिपोर्ट्स स्पैम में रिपोर्ट किया है। और यूजुअली कॉल इसकी जो दिखाई गई है वो 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है वो लगातार ये कॉल जो है वो आती है। तो ये जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपको दिखाई देगा। इस नंबर से अगर कोई कॉल आती है आपके पास तो आप जो है वो उस पर यकीन कभी भी मत कीजिएगा। अब एक किसान ने एक रिकॉर्डिंग जो है वो की है, वो रिकॉर्डिंग क्या है वो सुनिए जरा एक बार। ठीक है, वाले कर दें। दोबारा बोलना ही क्या क्या चीज थी? क्या सर? दोबारा डॉक्यूमेंट बोलना ही क्या क्या डॉक्यूमेंट थे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज और लैंड पेपर यानी जमीन के पेपर, ये 5 डॉक्यूमेंट सर आपको सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगी सर, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गवर्नमेंट की ओर से अगर अप्रूवल मिल जाती है तो आपके मेल आईडी पे सर अप्रूवल का मेल मिलेगा। मेल मिलने के बाद सर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन अपना अप्रूवल लेटर को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,600 पे करना होता है। और जैसा ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सर गवर्नमेंट के साथ आपका कुछ लीगल पेपर्स कंप्लीट करवाया जाता है, जैसे कि एग्रीमेंट पेपर, इंश्योरेंस पेपर और एनओसी पेपर। ये सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सर 90% की सब्सिडी अमाउंट आपके नाम से सेंक्शन हो जाएगी और आपके खाते में क्रेडिट करवा दिया जाता है। उसके बाद सर गवर्नमेंट की टीम सारा प्रोडक्ट को लेकर आपके लोकेशन पे विजिट करती है और बोरवेल से लेकर कर सोलर पैनल का पूरा सेटअप का कार्य कंप्लीट करवा दिया जाएगा सर। और सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद सर 10% आपको इन्वेस्ट करना होता है। पहले हमको लाने पड़ेंगे पैसे जी? क्या सर? पहले पैसे हमको लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट उसके बाद देगी, पहले देगी गवर्नमेंट पैसे? नहीं नहीं नहीं, आपको केवल 10% आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी सेटअप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। और 90% सब्सिडी अमाउंट क्रेडिट हो जाने के बाद गवर्नमेंट की टीम आपके लोकेशन पे सारा प्रोडक्ट को लेकर विजिट करेगी और सारा सेटअप को कंप्लीट कराएगी सर। बोरवेल के पैसे भी देगी? क्या सर? बोरवेल के पैसे भी गवर्नमेंट देगी? जी सर। बोरवेल पे भी 90% सब्सिडी? बिल्कुल सर। चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को आप मेल पे डॉक्यूमेंट्स मेल करना चाहेंगे या कुसुम योजना के व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करना चाहेंगे सर? ईमेल पे भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स? जी मेल पे भेज देंगे डॉक्यूमेंट। मेल करना चाहेंगे आप? हाँ जी। तो सर कब तक डॉक्यूमेंट्स को मेल कर देंगे? कर देंगे एक दो दिन में। ओके सर, तो मैं आपके मेल आईडी पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स को मेल कर दे रहा हूँ सर। थैंक यू।
तो रिकॉर्डिंग में वो बोल बता रहा है कि आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो उन्हें भेज दीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने होते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो भेजने की बात जो है वो कह रहा है। एक बार आप उसको डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो उसके बाद दूसरी कॉल जो है वो आपके पास आएगी कि आप जो है वो इतना पैसा जमा करवाइएगा, आपका अप्रूव हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट भी हो सकता है भेज दे, तो वो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपसे पैसे की डिमांड करेगा। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस तरह से अगर कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो वो पैसा मत दीजिएगा, पुलिस में जाकर के शिकायत कीजिएगा। और आजकल तो जो है वो इन साइबर फ्रॉड वालों से निपटने के लिए पुलिस भी जो है वो पूरी तत्पर तैयार रहती है, तो हो सकता है आपकी जो है वो कुछ हद तक मदद भी हो जाए। अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो भी आप जो है वो जाकर के पुलिस में कंप्लेंट जो है वो जरूर कीजिएगा कि आपके साथ कैसा फ्रॉड हुआ, किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है। अब अगर आपसे कोई इस तरह से पैसा मांगे तो उसको एक रुपया भी जो है वो मत दीजिएगा। अगर आपसे पैसा लेना होगा तो डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो आपके पास कॉल आएगी और आप वो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट में जा करके पूरी पूछ पड़ताल करने के बाद ही वो पैसा जो है वो जमा करवाइएगा। पैसा जमा करवाने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से शायद आपको एक कागज़ भी दिया जा सकता है, उस कागज़ पर अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होगा, DD बना करके हो सकता है वो भेजना पड़े, और हो सकता है कि आपको RTGS या नेफ्ट जो है वो करवाना पड़े। तो इस तरह से गूगल पे या सीधे डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर जो है वो नहीं मांगा जाएगा, ये अब तक जो है वो सूचना मिल रही है। तो ऐसे में आप किन किन लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, किन किन लोगों के पास ऐसी कॉल्स आई हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप जो है वो बिना किसी जानकारी के, बिना कोई प्रमाण लिए, बिना किसी पुख्ता रिपोर्ट के जो है वो किसी को भी पैसा जो है वो मत भेजिएगा। किसान जो है वो लगातार लूटे जा रहे हैं, लगातार जो है वो किसानों पे मार जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों तक जो है वो भेजा जाए ताकि जो किसानों के साथ घटना हो ली उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय में कोई और किसान जो है वो इस तरह की घटनाओं का शिकार जो है वो ना हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल के हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook पेज के हरियाणा हरियाणा को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।